राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ी हुई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि हम तो बीजेपी से पहले ही होकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश की राज्य इकाई ने सरयू में स्नान भी कर लिया हम लोग बीजेपी आरएसएस के इवेंट का विरोध करते हैं हमारा विरोध यह है कि सनातन धर्म के रक्षक चारों शंकराचार्य ने इसका विरोध किया है उन्होंने कहा है कि यह शुभ घड़ी नहीं थी यदि मोदी जी को इतनी ही जल्दी थी तो रामनवमी आने वाली है इस दिन वह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कर सकते थे हम तो बीजेपी से पहले ही हुआ है उत्तर प्रदेश हमारी की हमारी राज्य इकाई कांग्रेस की जाके दर्शन वर्षन कराई सरयू नदी में स्नान कराई हम लोग निश्चित रूप से चूंकि ये बीजेपी आरएसएस का इवेंट है उससे भी हमको कोई मतलब नहीं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है सनातन धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति को खुशी है हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि सनातन धर्म के रक्षक और प्रहरी माने जाते हैं शंकराचार्य जी उन चारों महान शंकराचार्य ने इस बात का विरोध किया कि ये टाइमिंग सही नहीं है प्राण प्रतिष्ठा की मंदिर अधूरा है ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी को जल्दी थी तो रामनवमी आने वाली है रामनवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा करते तो भी ठीक होता हमारा विरोध नहीं है हम लोग चूँकि इस भीड़ में हम शामिल नहीं हो सकते दर्शन भी नहीं हो पाएंगे बीजेपी के लोग आगे रहेंगे तो हम लोग घर पे बैठ के टीवी के माध्यम से भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे इस पूरे इवेंट को हम देखेंगे भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे